सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे पूरी दिल्ली शर्मसार हो गई। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने थे, लेकिन इन चुनावों में जमकर हंगामा हुआ। बुधवार को तो सदन की मर्यादा लांघते हुए पार्षद एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकते रहे। हद तो तब हो गई जब आज सुबह भी सदन में कागजी गोले रुक रुक कर चलते रहे। नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबराय ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने उन पर भी हमला किया है। आपके कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि चुनाव हुए बगैर सत्र खत्म नहीं होगा, भले ही ये लगातार कई दिनों तक चलता रहे। इतना ही नहीं, नेताओं का कहना था कि स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। भाजपा मोबाइल फोन के इस्तेमाल को क्रॉस वोटिंग से भी जोड़कर देख रही थी। फिलहाल एमसीडी के सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन की कार्यवाही लगभग लगातार 24 घंटे तक चली हो, लेकिन नतीजा जूतम पैर के सिवा कुछ नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी समूह।